इस बार जो जो मुद्दे यहां पर हुए हैं, बहुत बड़ी बातें हुई हैं, ये मुल्क अब विश्व, और आपको बता दूं, अब मैं बधाई देता हूं और एक टिप्पणी करके जाता हूं, मैं कई बार आया और मैंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की श्रेणी में आगे जा रहा है, ये कोरोना कहीं और से नहीं आया। क्या बात है, ये कोरोना चीन से आया है, ये कोरोना जो चीन से आया है रे, उसने सबको हाथ जोड़ना सिखा दिया। आज एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं लोग क्या? नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व पर हावी हो रही है, ये हमारे लिए बधाई के पात्र हैं। और भारत को तो वैसे ही इतना फायदा हो गया क्योंकि मोदी जी ने विदेश जाना भी बंद कर रखा है। हाँ संजय भाई, तब कहता हूं सब जय हो। चार पंक्तियां पढ़ता हूं और एक कविता से जोड़ने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान में लोग कुछ भी कहें, पर हिंदुस्तान का बाल बाका नहीं हो सकता जब तक इस देश के अंदर 56 इंची सीना लेकर पहुंच गया जापान, प्रगति पथ पर दौड़ रहा है अपना हिंदुस्तान। अरे विदेशी धरती वाले अब ये बोल रहे हैं, मोदी जी तो विकास के पत्ते खोल रहे हैं। अरे विदेशी धरती वाले अब ये बोल रहे हैं, मोदी जी तो विकास के पत्ते खोल रहे हैं। आगे भारत माता के सच्चे हैं रखवाले, कहो गर्व से सारे मिलकर अच्छे दिन आने। अरे सुनो, आपने क्या देखा, हिंदुस्तान के गौरव की बात है ये। जैसा भाई ने कहा कि मोदी जी ऐसा पैदा नहीं हुआ, अरे मोदी जी कौन कहता है साहब, बांझ नहीं है भारत माता, बांझ नहीं है भारत माता। इस पंक्ति में जोरदार तालियां बजा के मुझे बताना कि वाकई में हिंदुस्तान में एक व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं भगत सिंह पैदा हुए, सुखदेव पैदा हुए, राजगुरु पैदा हुए, 23 मार्च 1931 को फांसी के 3 फंदे सजे होंगे, उसके बाद क्या कुर्बानियां लेंगी? आज भी लोग हमारी शहादत दे रहे हैं। तब मैं कहता हूं, बांझ नहीं है भारत माता, गर्वित उसकी गोदी है, एक नहीं दो चार नहीं यहाँ हजारों मोदी हैं, एक नहीं दो चार नहीं यहाँ हजारों मोदी हैं। क्या बात है, लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी बोलेंगे, जब हमने पहले कहा तो लोगों ने हमारा विरोध किया, अरे बोले आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं लाल किले से जो बोल रहा उसकी बात कर रहा हूं। क्या बात है, लोगों ने कहा क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये वो दिन देख लेना जो चाइना पहले रोज घुसा चला आता था हिंदुस्तान में, पाकिस्तान आज दिखाता था, आज आप देख लो हालत, जिस ट्रंप के आगे, जिस अमेरिका के आगे, जिसके आगे हम सदस्यता के लिए भीख की तरह कटोरा लेके खड़े होते थे, आज वो ट्रंप हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मंच से आकर के बोल रहा है कि मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये हिंदुस्तान की ताकत बोल रही है, ना तो ट्रंप बोल रहा है ना मोदी बोल रहा है, ये हिंदुस्तान की आपकी और हमारी ताकत बोल रही है कि लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी बोलेंगे, पाक चाइना अमेरिका के सिंहासन पर डोलेंगे, पाक पड़ोसी भूल जाएगा ओछी हरकत करना, और चाइना को तो पीछे कदम पड़ेगा धरना। अरे जितने देश पड़े हुए हैं भारत के तो पीछे, और ट्रंप पे भी तो बात करेंगे नजरें करके नीचे, और सारे विश्व में फिर तो बढ़ जाएगा अपना मान, और सारा विश्व खड़ा हो रहा गा रहा है जय जय गान जय जय गान जय जय गान। तब एक कविता आपको सुना देता हूं, भाई कुलदीप ललकार को भी पढ़ना है, समय की अपनी सीमा है। हिंदुस्तान के अंदर साहब लोग कितनी धमकियां दें, पर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम कभी किसी से आगे बढ़कर लड़ते नहीं है, और अगर कोई लड़े तो फिर पीछे हटते नहीं है। हिंदुस्तान में लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, किसी ने कहा कि हम राम नाम नहीं बोलेंगे, किसी ने कहा हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, किसी ने कहा त्रिशूल धारण नहीं करेंगे, किसी ने कहा केसरिया रंग आतंकवाद का है। अरे वाह, हिंदुस्तान की संस्कृति में कोई भी हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू से कहते हैं कि हिंदुओं का केसरिया है तो मुसलमानों का हरा रंग है। अरे वाह, हम सब रंगों को लेकर के हमने तिरंगा बनाया जो हमारे राष्ट्र की आन बान शान है। तब मैंने कहीं लिखा कि हिंदुस्तान के लिए हम क्या हैं, हिंदुस्तान के लिए हमारे देश के अंदर वंदे मातरम का जब विरोध किया, उत्तर प्रदेश की असेंबली से एक नेताजी उठ करके चल दिए, बोले हम वंदे मातरम तो किसी मजहब का प्रतीक है, वंदे मातरम किसी मजहब का प्रतीक है, वंदे मातरम को किसी पार्टी का प्रतीक है। मैंने उस समय कहा कि वंदे मातरम शब्द केवल नारी का सम्मान, मां तुझे प्रणाम, और तो और शहीदों को समर्पित ये वो श्रद्धांजलि गीत है जिन्होंने बाड़मेर बीकानेर सियाचिन की सरहद पर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, इससे बढ़कर वंदे मातरम शब्द कुछ भी नहीं। स्वागत है भैया, स्वागत। तब मैं पढ़ता हूं कि वंदे मातरम शब्द क्या है।
चार पंक्तियां पढ़ता हूं वंदे मातरम के लिए, और अगर आपको लगे कि दूसरी पंक्ति मैंने कुछ सही कहा तो समर्थन करना, तालियां बजा के सत्यनारायण जी सुनना। स्वागत है, स्वागत है। किरा गोमेद, आप देखो कितनी भीड़ कम रह गई, पर मैं फिर भी ये सोच के कविता सुनाता हूं कि पता नहीं कुछ लोग अच्छी सुनकर के जाएंगे तो कुछ दो लोग तक बात पहुंचेगी। मैं पढ़ता हूं। किरा गोमेद, दौड़ रहा देश प्रेम का खून कैसे नहीं, वंदे मातरम हम गाएंगे। क्यों वंदे मातरम गाते हैं अगर दूसरी पंक्ति में समर्थन करना, कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का खून कैसे नहीं, वंदे मातरम हम गाएंगे। कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का खून कैसे नहीं, वंदे मातरम हम गाएंगे। और जिस माता ने हमें पैदा किया धरती पे, उसकी वंदना में अरे शीश तो झुकाएंगे। वाह, शाबाश। कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का खून कैसे नहीं, वंदे मातरम हम गाएंगे। और जिस माता ने हमें पैदा किया धरती पे, उसकी वंदना में अरे शीश तो झुकाएंगे। कि तुम्हें नहीं है गुमान शब्द कितना है महान, आखिरी श्वास तक इसे गुनगुनाएंगे। और वंदे मातरम का जो करेगा अपमान, काट के जवान उसकी जिंदा दफनाएंगे। वाह। कि वंदे मातरम यारो माता की आराधना है, वंदे मातरम यारो नारी का सम्मान है, वंदे मातरम यारो सैनिकों का बलिदान, वंदे मातरम यारो राष्ट्रीयता का गान है। कि वंदे मातरम यारो खेत खलिहान है, वंदे मातरम यारो गीतार पुराण है। और सारे मिलके बोलो यारो देखो, वंदे मातरम यही तो आवाज यारो देता हिंदोस। तो एक बार वंदे मातरम का जयकारा लगाओ, बोलो वंदे, आवाज कम है, वंदे वंदे वंदे। अरे क्यों डरते हो, शहीदों के मुख से गूंजा जोशो भरा तराना है, शहीदों के मुख से गूंजा जोशो भरा तराना है। कितने भी प्रतिबंध लगाओ, वंदे मातरम गाना है, माँ का वंदन है अभिनंदन, यही तो समझाना है। अरे कायर बनकर जीने से तो बेहतर ही मर जाना है। बोलो वंदे। बस तब कहता हूं कि वंदे मातरम शब्द ने आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई। 23 मार्च आ रही है साहब, नगर पालिका नगर परिषद को मैं कहता हूं साहब, आप भगत सिंह की जयंती भी मनाया करो। यहां पर भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। अरे भाभी माल जैसे कह रहे थे भाई कुलदीप ललकार, गांधी जी ने गोली खाई होगी, पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने फांसी के बंदे को चूमा था। तब मैंने 23 मार्च 1931 को ध्यान रखना, कविता पढ़ता हूं कि वंदे मातरम की भूमिका क्या थी। पढ़ता हूं, पढ़ो कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है, कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है, स्वागत की गरिमा है इसमें रोरी चंदन है। वंदे मातरम गा कर बेटे माँ को अर्ध चढ़ाते हैं, वंदे मातरम गा कर बेटे माँ को अर्ध चढ़ाते हैं, देशभक्त हम सदा रहेंगे ये संकल्प उठाते हैं। मातृभूमि की महिमा इसमें देशभक्ति का ज्वार है, मातृभूमि की महिमा इसमें देशभक्ति का ज्वार है, रणभेरी की गूंज इसमें दुश्मन को ललकार है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाना है, वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाना है। सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश, सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश महान है, सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश महान है। भारत माँ की बेड़िया देखी नींद नहीं उनको आई, भारत माँ की बेड़िया देखी नींद नहीं उनको आई, देश गुलामी में जकड़ा है रोटी तक भी ना भाई। आजादी का सपना लेकर बांध कफन घर से निकले, आजादी का सपना लेकर बांध कफन घर से निकले, करी बगावत अंग्रेजों से उठ अपने नहीं सिले, अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई, अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई। भारत माता की जय बोली गोली सी ने परखाई, आजादी हम लेकर रहेंगे अब हमने ललकारा है। और इस मुल्क से कितना प्यार करते हैं मुझे बता देना, कि आजादी हम लेके रहेंगे अब हमने ललकारा है, आजादी हम लेके रहेंगे अब हमने ललकारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है। आजादी के लिए कहा गया है कि मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, दर्द जाने वो भला क्या जिसने उठाया ही नहीं। आजादी कितनी महंगी है वो क्या जाने भला, खून इसकी चाह में जिसने बहाया ही नहीं। कितने सरसूली चढ़े यहां, कितनों ने दी थी कुर्बानी, कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी। कितने सर से सिंदूर मिटे, कितनों की राखी टूट गई, बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई। कितनी ही शेष शक्ति थी, कितनों की रातें थी कारी, कितने आंगन सूने रह गए ना गूंजे उनमें किलकारी।
सब कुछ दांव पर लगा दिया, जब बची न कोई पाई थी तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे, लाल बाल व पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे, भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी, आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी, हर पल यही सोचते थे क्या कर हम यहाँ गुजर जाएं, कतरा कतरा चाहे तन का वतन की खातिर काम आए, हिंदू मुस्लिम सिखों ने अरे मिलकर लड़ी लड़ाई थी, तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई थी। तब 23 मार्च के तीन चित्र खींचता हूं मित्रों, फांसी के तीन फंदे, और अगर नाम आ जाए तो जितनी घनघोर तालियां बजा के श्रद्धांजलि दे देना जो आजादी की डोली हमें सौंप के गए। तब कहता हूं सब कि वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, खून बहा ऐसे था यारो जैसे बहता है पानी, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे, देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, और नाम आ जाए तो एक जश्न कर देना, मेरी आंखें वो जश्न देखने को तैरती हैं कि आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे, देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए, वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए, वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे, वंदे एक एक हाथ से बजे कि वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे, काल कोठरी के बाहर वो पैरा सख्त लगाते थे, आजादी के दीवाने जब वंदे मातरम गाते थे, अंग्रेजों के तन मन में जय घोष आग लगाते थे, कोड़ों की तो मार सही पर वंदे मातरम था गाया, कोड़ों की तो मार सही पर वंदे मातरम था गाया, आजादी का परचम यारो तब जाकर था लहराया, आजादी का परचम यारो तब जाकर था लहराया, भूल गए वो माँ का आंचल भूल गए पत्नी सिंगार, भूल क्या क्या भूले होंगे कि भूल गए वो माँ का आंचल भूल गए पत्नी सिंगार, भूल गए राखी के धागे भूल गए बापू का प्यार, देश की आजादी की खातिर जान की कीमत ना जानी, सेलुलर जेलों का यारो वो पी गए काला पानी, भूख प्यास भी खूब सही पर फिर भी पीछे नहीं हटे, दामोदर और सावरकर काले पानी की सजा में दोनों भाई बंद थे, लोग यहां सरसों का तेल निकालने में भारी पड़ता है, उन्होंने नारियल के पान को दो कोलू में जोते गए और नारियल का तेल निकलता था वहां पर, तब जाकर के कहीं मैंने लिखा कि भूख प्यास भी खूब सही पर फिर भी पीछे नहीं हटे, मातृभूमि की खातिर यारो शीश अनेकों यहां कटे, भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी ये चिट्ठी, भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी ये चिट्ठी, भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी ये चिट्ठी, मुझको शादी नहीं करनी है प्यारी मुझको ये मिट्टी, मुझको शादी नहीं करनी है मुझको प्यारी ये मिट्टी, इनकलाब की गूंज हुई और सबके भ्रम को तोड़ दिया, इनकलाब की गूंज हुई और सबके भ्रम को तोड़ दिया, भरी सभा में भगत सिंह ने बम को यारो फोड़, ऐसा 18 साल का नौजवान हिंदुस्तान का शेर था। क्या बात है? तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के लोग फिर भी जब ये कहते हैं कि रह रहे हैं इस जमीन पर इसलिए खुददार हैं, माँ का दूध है पिया इसलिए कर्जदार हैं, माँ की वंदना पर जो है चुप्पी साध ले, हिंद का तो है नहीं वे व्यक्ति तो गद्दार है, अरे हमने तुमको भाई माना, तुम पर है एतबार किया, भारत माँ के आंचल में ही रहने को घरबार दिया, अरे भूल गए तुम रिश्ते नाते दिल को तुमने भेद दिया, और जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया। क्या बात है, जय हो। तब जाकर के मैं कहीं लिखने की कोशिश करता हूं कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुहाता है, वंदे मातरम शब्द यदि तन मन में या हिंदुस्तान का मुसलमान भाई 5 बार नमाज पढ़ के जमी को चूम कर कहता है कि या खुदा सलामत मेरा ईमान रहे, या खुदा सलामत मेरा ईमान रहे, आखिरी वक्त मेरे सामने कुरान रहे, तेरे दर पे मैंने जीबी रगड़ी है, मेरे माथे पे तेरी कोई तो पहचान रहे,
ये हिंदुस्तान का मुसलमान भाई हमारा कहता क्या है, बात है। पर जब उसको हम मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, जब उसको अमन के नाम पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब मैं कहीं लिखने की कोशिश करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुहाता है, वंदे मातरम शब्द यदि तन मन में आग लगाता है, वंदे मातरम शब्द यदि दिल के शोले भड़काता है, वंदे मातरम गाने से यदि मुकड़वा हो जाता है, इसका मतलब तुमको यारो मातृभूमि से प्यार नहीं, इसका मतलब तुमको यारो मातृभूमि से प्यार नहीं, इसका मतलब तुमको यारो माँ का है सत्कार नहीं, फिर इस धरती पर रहने का तुमको है अधिकार नहीं, फिर इस धरती पर रहने का तुमको है अधिकार नहीं। वंदे मातरम गाने में अर शाम तुम्हें क्यों आती है, वंदे मातरम गाने में अर गर्दन क्यों झुक जाती है, जिस मिट्टी में पले नहीं तुम उसकी याद सताती है, हिंदुस्तान की मिट्टी से क्या खुशबू नहीं आती है, वंदे मातरम का तो यारो मन से है सत्कार करो, राष्ट्रगीत इसको है मानो इससे सब है प्यार करो, हिंदुस्तान में रहना है तो ये तो सहना ही होगा और साथ हमारे वंदे मातरम तुमको भी कहना होगा। बढ़ती दो राई, बढ़ती दो।